हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक कर्मा एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल स्टडी क्लास। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि एमपी बोर्ड के 2021 के एग्जाम में न्यू लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के हिसाब से टोटल 30 मार्क्स के एसएसटी में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। जी हाँ, 30 नंबर के एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पास होने के लिए बहुत जरूरी है। सो हे गाइस, मैं हूं अभिषेक कर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट एसएसटी के रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट वन में से सारे इंपॉर्टेंट पॉसिबल एमसीक्यूज की। जी हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, यानी पूरे चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट उसकी बात हम करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। पहले 25 आया करते थे, अब 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी वेटेज बढ़ चुका है एमसीक्यूज का, तो एमसीक्यूज के ऊपर और भी खासा ध्यान देना पड़ेगा। तो कितने पॉसिबल एमसीक्यूज इस चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स ऑफ इंडिया से आ सकते हैं, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने नया ब्लूप्रिंट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के आपको लिंक मिलेगी, वो वीडियो देख लीजिए। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आप मिस नहीं कर पाए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी सबसे बेस्ट तरीके से कर पाए। तो स्टूडेंट, चलिए क्या है वो देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को देख पाए। और ज्यादा लोग जो लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं पैसे की कमी के कारण या फिर रिसोर्सेस न होने के कारण, तो उन सभी की पढ़ाई ना रुके, उनका करियर खराब ना हो, उनका फ्यूचर सेट हो अच्छे से, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और उन सभी तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बिना किसी और देरी के चले वीडियो को शुरू करते हैं। MCQs, Resources of India Part 1 से कौन-कौन से important objective पूछे जा सकते हैं, चलिए उन सभी की बात हम करते हैं। तो स्टूडेंट, यहां पर आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक हेल्प फॉर सोशल फॉरेस्ट स्कीम इज ऑब्टेन फ्रॉम, जिस तरह से मैंने यहां पे चार ऑप्शन दिए, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आते हैं ऑब्जेक्टिव भी। जी हां, चार ऑप्शन देता है, चार में से एक चूज करना होता आपको, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इकोनॉमिक हेल्प फॉर सोशल फॉरेस्ट स्कीम इज ऑब्टेन फ्रॉम, इकोनॉमिक हेल्प यानी आर्थिक मदद, पैसे की मदद कहां से ली जाती है, और कौन सी स्कीम के लिए, सोशल फॉरेस्ट स्कीम। तो सोशल फॉरेस्ट स्कीम में हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो फटाफट जो कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया चैप्टर का लिंक है वहां पर, देखिए मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट चलाती है लेकिन किसी की हेल्प से, तो किसकी हेल्प से, तो यहां पर ऑप्शन दिया है स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से। अब गवर्नमेंट ही तो चलाती है, किसकी हेल्प से, गवर्नमेंट खुद तो नहीं आप देंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट तो सही आंसर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट बी वो भी सही नहीं है, सी वर्ल्ड बैंक और डी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जी हां, सोशल फॉरेस्ट स्कीम को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, तो वो तो हेल्प नहीं करेगा और गवर्नमेंट खुद की हेल्प भी नहीं करेगी, तो किससे लेगी गवर्नमेंट हेल्प, वर्ल्ड बैंक। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वर्ल्ड बैंक। और एक बात तो याद रखना है, जब भी सोशल फॉरेस्ट स्कीम आएगा तो एक ही बात ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक की मदद से चलता है, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना, आपको क्वेश्चन से लिखने में भी हेल्प होगी, वन वर्ड में पूछा जा सकता है, यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव में पूछा लेकिन ये वन वर्ड में पूछा जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव जरूरी है कि एमसीक्यूज में पूछे, हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देता, इकोनॉमिक हेल्प फॉर सोशल फॉरेस्ट स्कीम इज ऑब्टेन फ्रॉम, ऐसा ब्लैंक्स दे देता, लिखने बोलता, तो याद रखना है वर्ल्ड बैंक। जी हाँ, सोशल फॉरेस्ट स्कीम अगर ध्यान में आए तो डायरेक्टली एक ही बात आपके मन में ध्यान लाना, वर्ल्ड बैंक, सोशल फॉरेस्ट स्कीम, वर्ल्ड बैंक, बस यही ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ये हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव के ऊपर, विच फैक्टर डज नॉट हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन, कौन सा फैक्टर, कौन सी ऐसी बात है जो सॉइल फॉर्मेशन यानी मिट्टी को बनने में हेल्प नहीं करता, विच फैक्टर डज नॉट हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, विंड एंड वाटर, क्या हवा पानी से सॉइल बनता है, वाटर एक्युमुलेशन पानी के इकट्ठा होने से सॉइल बनता है, टेम्परेचर, डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सबको समझाते हैं। पहले तो आप सॉइल फॉर्मेशन का डेफिनेशन सुनिए भाई, सॉइल कैसे बनता है, सॉइल फॉर्मेशन जो होता है वो वेदरिंग से बनता है, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो जाइए वीडियो देखिए, पढ़ा चल जाएगा, बुक खोल कर रखिए अपने सामने या बुक में ढूंढिए, आपको मिल जाएगा तुरंत ही। तो सॉइल फॉर्मेशन होता है वेदरिंग से, वेदरिंग मतलब क्या होता है, धूप के वजह से, पानी की वजह से, पानी बारिश जो आती है ना, पानी जो बहता है उसके वजह से, नदी अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाती है, ठीक है ना, हवा अपने साथ धूल उड़ा कर ले जाती है, तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड एयर एंड वाटर जो होता है, इससे तो सॉइल फॉर्मेशन होता ही है। तो यहाँ पर कौन सा एक चीज है, नदी का पानी बहेगा तो नदी अपने साथ खूब सारी मिट्टी बहा कर लाती है, तो पानी सॉरी वाटर एक्युमुलेशन सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन पानी कोई रुका हुआ है उससे फॉइल बनेगा क्या, पानी ना इधर जा रहा है ना पानी उधर आ रहा है, वाटर एक्युमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, ठीक है, इकट्ठा होने से कोई सॉइल नहीं बनने वाली। डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिकम्पोज होने के बाद ह्यूमस बनाते हैं, ह्यूमस मिल जाता है मिट्टी में तो फर्टिलिटी बढ़ जाती है, तो ये भी सॉइल बना रहा है भाई। और टेम्परेचर, जब पत्थर के ऊपर धूप पड़ती है तो क्या होता है, वो पत्थर टूटने लगता है बारीक बारीक पीसेस में, वही तो सॉइल है। और विंड एंड वाटर, भाई पानी से बहकर ही तो आता है मिट्टी,
और वाटर विंड जो है हवा से तो धूल एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि तीनों फैक्टर्स हेल्प करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। और यहाँ पूछा डज नॉट हेल्प, कौन हेल्प नहीं करता, तो रुका हुआ पानी। भाई रुका हुआ पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता ही नहीं है, तो आपने देखा कभी तालाब में पानी रुका, तालाब में मिट्टी भर गई, ढूंढ सारी मिट्टी बन गई, होता है क्या ऐसा? नहीं होता है, जबकि पानी तो उल्टा मिट्टी बहा कर ले जाता है ना। तो वाटर रुका हुआ पानी से कभी भी सॉइल फॉर्मेशन नहीं होता। तो हमारा सही जवाब क्या है, वाटर एक्युमुलेशन डज नॉट हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, वाटर इकट्ठा होने से, पानी एक्युमुलेट होने से सॉइल फॉर्मेशन नहीं होता। बढ़ते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव के ऊपर, विच सॉइल इज जनरली फाउंड इन द डेल्टा रीजन। ये डेल्टा क्या होता है, जब क्या होता है नदी बहते बहते ऐसे समुद्र में जाकर मिलती है, तो ये जो एरिया ऐसा फॉर्म होता है ना बड़ा सा, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ये हमारा डेल्टा होता है। तो एक बात बताइए, नदी कहां से आती है, पहाड़ों से, मैदानों से, तो खेतों के बीच से गुजरते हुए नहर से आती है नदी, ठीक है, आसपास से पूरा। तो अपने साथ क्या बहा कर लाती है, मिट्टी बहा कर लाती है, नीचे की मिट्टी या ऊपर की मिट्टी, जी हाँ ऊपर की मिट्टी। तो ऊपर की मिट्टी में क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमस, अपर लेयर में तो ह्यूमस प्रेजेंट होता है, जानते होंगे आप, जी हाँ। तो अपर लेयर में ह्यूमस है, और जितना ह्यूमस होता है उतनी फर्टाइल सॉइल, और मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सी है, एलुवियल, जानते हैं कि आप सबसे इंपॉर्टेंट फर्टाइल सॉइल कौन सी है, एलुवियल। तो डेल्टा रीजन में आके जब पानी समुद्र में मिलता है तो मिट्टी यहाँ जमा होने लगती है, और नदी अपने साथ ऊपर की मिट्टी बहा के लाती है, ऊपर की मिट्टी में ह्यूमस प्रेजेंट होता है, ह्यूमस ज्यादा है तो सॉइल एलुवियल बन जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, रेड सॉइल तो बिल्कुल नहीं होगा, ब्लैक सॉइल भी नहीं होगा, लैटराइट सॉइल भी नहीं होगा, कौन सा हमारा सही आंसर होगा, एलुवियल सॉइल, जी हाँ। तो एलुवियल सॉइल हमारा सही उत्तर है, याद रखिएगा, रिवर डिपोजिशन से हमेशा एलुवियल सॉइल बनती है। एक और ऑब्जेक्टिव बता देते हैं आपको, एलुवियल सॉइल इज फॉर्मड ड्यू टू रिवर डिपोजिशन, याद रखिएगा, रिवर डिपोजिशन से एलुवियल सॉइल बनती है। तो यहाँ पर हमने तीन ऑब्जेक्टिव कवर अप कर लिए, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ऑब्जेक्टिव्स की ओर। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा, बिल्कुल, चलिए हम देख लेते हैं अगर फिल इन द ब्लैंक में अगर ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो कैसे इन्हें लिखना होता है, ठीक है, याद भी करते चलिएगा साथ में हम लॉजिक भी समझेंगे। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर, ये जो काली मिट्टी होती है ब्लैक सॉइल किस चीज के लिए सुटेबल है, क्या क्या उसमें उग सकता है, मतलब पूछा जा रहा है किस लिए, मिट्टी में उगाते ही है ना, तो किसके लिए सुटेबल है। तो आपको पता है ब्लैक सॉइल मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है, कॉटन, जी हाँ कॉटन ही उगता है उसमें, और दूसरा सीरियल्स भी उगते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉटन एंड सीरियल्स, जी हाँ हम लिखेंगे कि कॉटन। अगर आपने सिर्फ कॉटन भी लिख दिया कोई गलत नहीं दे सकता, बिल्कुल सही है, कॉटन के लिए ही फेमस है, बट इसमें अनाज भी उग जाता है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन एंड सीरियल्स, जी हाँ कॉटन उगाने के लिए और सीरियल्स अनाज उगाने के लिए। फिर ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जानते हैं भाई, तो ब्लैक सॉइल के एक तो और नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल, जानते होंगे आप ब्लैक कॉटन सॉइल, या फिर इसे रेगर सॉइल भी कहते हैं, जी हाँ रेगर सॉइल, इसका नाम याद रखिएगा, रेगर सॉइल और रेगर और कॉटन सॉइल, जी हाँ या तो इसे रेगर सॉइल कहते हैं या फिर कॉटन सॉइल कहते हैं या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो आपको नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आया तो चूज कर लेना, नहीं ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे लिखना, वन वर्ड में आया तो सेंटेंस बनाना, और ब्लैंक्स में आया तो ऐसे, या फिर मैचिंग आया तो मैच कर देना इससे रेगर या कॉटन सॉइल से, क्लियर है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव आते हैं, ब्लैक सॉइल का और नाम है रेगर सॉइल और कॉटन सॉइल। अगला हमारा छठा ऑब्जेक्टिव, घाना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड है, ये जो घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, जी हाँ स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर में लास्ट में जो पूरा टेबल दिया हुआ है बुक में, जी हाँ वो जो टेबल्स दिए हुए हैं कौन सी सेंचुरी है, कौन से स्टेट में है, और वो कहां पर उसमें कौन कौन से एनिमल मिलते हैं वो सब। तो घाना बर्ड सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है, तो बर्ड सेंचुरी का नाम दिया है ना, तो उसमें पक्षी रहते हैं, पक्षी वाला अभ्यारण, सेंचुरी मतलब अभ्यारण होता है, नेशनल पार्क आपने सुना होगा, घूमने जाते हैं लोग है ना, तो जैसे एमपी में कान्हा नेशनल पार्क भी है, नाम सुना होगा आपने, ठीक बिल्कुल ऐसे। तो घाना बर्ड सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है, राजस्थान में, याद रखिएगा कहां पर, राजस्थान, घाना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन राजस्थान। उसके बाद गिर नेशनल पार्क, गिर के जंगल, गिर के शेर पता होगा आपको, ठीक, तो गुजरात स्टेट में, गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन गुजरात स्टेट, नाम याद रखिएगा। और तो स्टूडेंट्स इसमें पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं क्योंकि जगह का नाम लिख रहे हैं, नाउन है तो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल, जी है नाम है ना, तो गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन गुजरात, ठीक ध्यान रखना है गुजरात में है, घाना बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, जी हाँ काजीरंगा नेशनल पार्क वो पार्क है जहां पे वन हॉर्न राइनोसोरस यानी कि वन सिंग वाला, एक सिंग वाला दरियाई घोड़ा या गेंडा जिसे कहते हैं वो मिलता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन आसाम, कहां पर है ये, आसाम में, यहाँ वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सिंग वाला, इसके नाक पर से सिंग होती है जी हाँ वो, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहां पर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड स्टेट, जी हाँ ये उत्तराखंड स्टेट में है, याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड स्टेट, कौन से स्टेट में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड स्टेट। इसके बाद दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है, जी हाँ दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है, भी पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वो है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो आप पूरा नाम भी नहीं लिखे, लखीमपुर खीरी, लखीमपुरी
खीरी ऐसा लिख दो, या फिर चाहे तो आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में लिखो तो चल जाएगा। जी हाँ, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, ये दुधवा नेशनल पार्क वहां पर सिचुएटेड है। तो यहां हमने ऑब्जेक्टिव देखे। उसके बाद मैन यूजेस ब्लैंक्स द मोस्ट, चार ऑप्शन दिए हैं। मैन कौन सा वाटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, अंडरग्राउंड वाटर जमीन के नीचे का पानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, या फिर ओशियन का पानी समुद्र का महासागरों का पानी हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर सरफेस वाटर जमीन के ऊपर सतह के ऊपर का पानी, या फिर एटमॉस्फेरिक वाटर जो एटमॉस्फेयर में वेपर बन के है उसका इस्तेमाल करते हैं। कौन सा पानी सबसे ज्यादा? अंडरग्राउंड वाटर है, जमीन से तो हर कोई निकालता नहीं है ना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, नदी से या फिर बरसात का पानी होता है, तालाबों से, पॉन्ड से, लेक से, है ना। अब सिर्फ बात पीने की नहीं हो रही, यहाँ पर यूज कर रही बात हो रही ना, पीना, नहाना धोना, खेती के लिए, इरिगेशन के लिए, सब इसमें आएगा, ठीक है। तो सिर्फ पीने के, ड्रिंकिंग के वाटर की बात मत कीजिए, यहाँ पर बात की जा रही है यूज करने वाले वाटर की। तो हम सारा पानी इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे ज्यादा पानी हम किसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तो हमारा वो है सरफेस वाटर। जी हाँ, जमीन के ऊपर का पानी, जमीन के नीचे का तो पानी हम ज्यादातर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओशनिक वाटर समुद्र के पानी पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक वाटर हवा में जो है उससे तो हम सिर्फ सांस लेते हैं, ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता उसका। सरफेस वाटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सरफेस वाटर का लोग पीते भी हैं, उससे खेतों में भी डालते हैं, उसमें अपने केटल्स भी धोते हैं, नहलाते हैं उनको भी, कपड़े वगैरह धोने, सारा काम जो है उसी से होता है, नदी तालाबों से, ठीक है, उन्हीं से होता है, सरफेस वाटर ही होता है। तो स्टूडेंट ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन एंड सीरियल्स। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर और कॉटन सॉइल। घाना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन राजस्थान। गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन गुजरात स्टेट। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड स्टेट। और दुधवा नेशनल पार्क इज इन लखीमपुर खीरी या फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट चाहिए तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स ये हमारा एमसीक्यूज का पहला वीडियो है, तो मैं कुछ इस तरह से समझा कर बना रहा हूं। अगर आपको कोई अच्छा तरीका और पता हो कि सर ऐसे मत समझाइए, कुछ अलग तरीके से समझाइए, तो आप कमेंट कीजिए, मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं उस तरह से आपको जरूर समझाऊंगा, ठीक है। मुझे लगता है कि ये तरीका थोड़ा ज्यादा बेटर है ऑब्जेक्टिव्स याद रखने के लिए भी और समझ पाने के लिए, ठीक है, इससे मैंने इस तरीके को अपनाया समझाने के लिए। अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे, अच्छा कमेंट देंगे, तो मैं इस तरह के और भी वीडियोस बना कर लाऊंगा, हर चैप्टर के एमसीक्यूज करा पाऊंगा आपको, ठीक है। और इसमें मुझे क्या चेंज करना चाहिए, मैंने क्या थोड़ा सा गलत बता दिया हो, मुझे तरीका थोड़ा सा अलग चेंज करना हो, ये सब आप कमेंट कीजिए, तो आपके सारे कमेंट्स वेलकम है, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगेगा, मैं अच्छे से उसको फॉलो करने की कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले ऑब्जेक्टिव्स की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट एमसीक्यू की। जी हाँ, तो नेक्स्ट जो हमारा फिल द ब्लैंक्स की तरह है, ब्लैंक्स एन इंपॉर्टेंट रोल इन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। तो यहाँ हम प्ले ऐसा लिख सकते हैं, जैसे प्लेज एंड प्ले ऐसा लिख सकते हैं, PLAYS छूट गया है, ठीक है। तो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, तो कौन सा ऐसा ग्रुप है, कौन ऐसा है जिसने ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो इसका उत्तर क्या होगा, यहां पर उतना लिखना होगा हमें, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन समिति, क्या लिखेंगे हम, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन समिति। जी हाँ, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन समिति, याद रखिएगा उत्तर कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के साथ, जी हाँ, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कौन उनके साथ वर्क कर रहा है, तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन समिति, कौन वर्क कर रहा है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की समिति, ये उत्तर होगा, ठीक है। दूसरा, फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट इज वर्किंग इन एसोसिएशन विद, ये फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट किसके साथ मिलकर, एसोसिएशन विद किसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो UNDP। जी हाँ, UNDP, यही शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP रखना है सीधा सीधा, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट इज वर्किंग इन एसोसिएशन विद UNDP, UNDP के एसोसिएशन में फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट काम कर रहा है। दूसरा, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में कौन वर्क कर रहा है साथ में, कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन समिति, कौन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन समिति। तीसरे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ये सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन कौन से ईयर में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, उत्तर रखना है 1965। जी हां, कौन सा ईयर, 1965। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, कई बार आ चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुल चांसेस आने के, इसे यही बता रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1965, कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, 1965 में। उसके बाद KM मुंशी स्टार्टेड मन महोत्सव इन, पहली बात तो ये भी पूछ सकते हैं कि वन महोत्सव किसने शुरू किया, तो KM मुंशी, याद रखिएगा, KM मुंशी स्टार्टेड वन महोत्सव, ये तो क्लियर है, ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो है ही। कब स्टैब्लिश किया था, कब स्टार्ट किया था, तो 1950 में, या ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, KM मुंशी स्टार्टेड वन महोत्सव इन 1960, ट्रू और फॉल्स है, तो बताइए भाई, फॉल्स है, क्योंकि उन्होंने तो 1950 में किया था, 60 में नहीं, तो मैचिंग में भी आ सकता है, KM मुंशी इस कॉलम में देगा वन महोत्सव, इस कॉलम में KM मुंशी, तो KM मुंशी को मैच कर देना वन महोत्सव से, ठीक है, ऐसा दे सकता है। या फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट को मैच करने बोलेगा, इधर कॉलम में तो UNDP दिखा, तो कर देना मैच, ठीक है।
तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे टोटल 15 ऑब्जेक्टिव्स की बात हमने कर ली। जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया से, जिनके पूरे पूरे चांसेस आने के, इसी में से ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे आपको आ सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी के हिसाब से तो टोटल 2 ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा जाएगा। जी हाँ, 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहां पर 2 ऑब्जेक्टिव्स रिसोर्सेज ऑफ इंडिया से पूछे जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने जो आपको 15 क्वेश्चंस बताए, 15 एमसीक्यूज बताए, उसमें से कोई भी 2 पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा वीडियो एमसीक्यूज के ऊपर। स्टूडेंट्स अगर आपको इस तरह के और भी एमसीक्यूज चाहिए, इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए, इस तरह के नोट्स चाहिए, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसे ज्वाइन कीजिए और सीधा आप कहां जाएंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएंगे, आपको सारे नोट्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया, आपको नॉलेज मिला हो और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप लाइक नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पैसे की कमी से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास साधन नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, तो प्लीज उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड के साथ, शेयर करने से दूसरों का कैरियर फ्यूचर अच्छा बन सकता है, आपका सिर्फ एक शेयर। तो स्टूडेंट्स बस इतना ही चाहते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए, देखते रहिए इसी तरह से हमारा चैनल स्टडी क्लास, और भी इस तरह की एजुकेशनल न्यूज के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉलो करना ना भूले, हम हर जगह है। तो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो एमसीक्यूज की रिसोर्स ऑफ इंडिया पार्ट फर्स्ट में। तो इसी तरह से आप देखते रहे हमारा चैनल स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।